नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रांची के हाई प्रोफाइल इलाके मोरहाबादी में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से पुलिस पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जंगल राज से जोड़ दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि दो पूर्व मुख्यमंत्री के आवास इस इलाके में है, फिर भी सरेआम गैंगवार को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में जंगल राज कायम हो चुका है, जिसके कारण अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि सबसे VIP एरिया में भी अब दिन दहाड़े गैंगवार होने लगे हैं। चाईबासा में हुई घटना पर उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्र विरोधी शक्तियां मजबूत हुई हैं। सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण ये शक्तियां मजबूत हो रही हैं। इन वारदातों से साफ है कि झारखंड में जंगल राज आ चुका है। इधर गैंगवार के इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें दो बाइक पर सवार 5 अपराधी हाथ में हथियार लहराते हुए मोरहाबादी मैदान से फरार होते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार CCTV फुटेज में दिख रहे सभी अपराधियों की पहचान हो चुकी है। बता दें कि इन अपराधियों ने रांची के हाई सिक्योरिटी जोन में अंधाधुंध फायरिंग कर कालू लामा नामक युवक को मार डाला, जबकि उसका भाई और सहयोगी शुभम विश्वकर्मा का गोली लगने के बाद इलाज जारी है। पहले इस घटना में 4 अपराधियों के शामिल होने की बात सामने आई थी, लेकिन CCTV फुटेज में 5 अपराधी दिख रहे हैं। बता दें कि रांची के जिस स्थान पर इस गैंगवार को अंजाम दिया गया, वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पूर्व CM शिबू सोरेन, रांची DC, रांची SSP सहित कई आला अधिकारियों और मंत्रियों के आवास मौजूद है। चंद कदम पर TOP भी है। बावजूद इसके अपराधियों ने इस दुस्साहस को अंजाम दिया। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।